इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तमाम मोहल्लों में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप रखा जा रहा है। आज उज्जवल नगर में यहाँ पर डॉक्टर यूसुफ साहब और डॉक्टर मुल्ला साहब यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मेडिकल कैंप का मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि कोरोना वायरस जो बीमारी है उससे हमारा एक डर और खौफ दिलों से निकल जाए। और पिछले 4-5 माह से जो बीमारी पूरी दुनिया में इस वबा की तरह फैली हुई थी और खासकर शहर बेलगाम अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से हालात चले हुए थे। जो हालात थे उस वक्त आप बेहतर जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने किस तरह से उस वक्त खिदमात अंजाम दिए हैं। जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे थे, हॉस्पिटल में थे, जो क्वारंटाइन में थे, वो लॉज में थे या कहीं हॉस्टल्स वगैरह में थे, उसकी तमाम खिदमात जो है अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने उस वक्त निभाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी जमातों का, आपकी सदर का, आपकी नजर का, आपकी एक्टिविटी का, नशीब भाई का, बदल भाई का और बहुत चढ़ के डॉक्टर मुला साहब का और डॉक्टर मिसेस को जाकर जो आगे बढ़ के आपके बच्चे हैं और आप छोड़ कर ठीक है करने के लिए राजी है। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो अपना अच्छा होके कर हो जाएगा। आगे मैं एक स्टॉप आप पिछले देखें आशीष भाई ने बताया कि 5 महीने से हम लगातार गुजरात में एक के बाद में एक जो चैलेंजेस आ रही है कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह और मैंने सफलता दी। मैं और मेरी टीम, मेरे अंजुमन के सदर राजेश्वर साहब के सदारत के नीचे हमने काम करना शुरू किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें अंजुमन के सदारत में, राजेश्वर साहब के सदारत में काम करने का मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है और वो भी एक ऐसे लीडर के, लीडरशिप के लिए नीचे काम ले रहा है कि जो खुद अपनी जान पे खेल कर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में कोविड नाम सुनकर लोग डर जाते थे, जमाती नाम सुनकर लोग डर जाते थे, उस वक्त में साहब हमारे पीछे रहे और हम काम करने के लिए आगे बढ़े। जब तक कोई बड़ा आके अपने पीछे नहीं फिरता कोई काम नहीं कर सकता। आज जब भी साहब बात करते हैं कि मेरी टीम अच्छी है, मैं तो ये कहूँगा कि हम टीम तो अच्छी है, वो आपके बड़ापन है, लेकिन सबसे बेहतर लीडर आप है जो आपने हमें काम करने का मौका दिया। जब आप हमारे पीछे थे तो हमने काम करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह कामयाबी हो गए। जिस दिन से जमातों को लोग देख कर डर जाते थे उस वक्त में हम जमातों के पीछे ठहरे। जहाँ पर से हमारी जमातें आनी थी वहाँ से हमने जमातों को अपने मकाम पर लाया और जहाँ पर जमातों को वापस भेजना था वहाँ पर हमने जमातों को वापस भेजा। पहले तो शुक्रिया इतने अच्छे शब्दों के लिए। एडवाइस कुछ नहीं है, हम जो देख रहे हैं फ़िलहाल में डरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ मिलाने से परहेज़ करो। पता है जब एक दूसरों को मिलते हैं, करीब के लोगों को मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए, जब तक वैक्सीन आए, जब तक सबकी तबीयत ठीक हो, तब तक इन छोटे छोटे चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत बहुत है। दूसरी चीज़, मौसम भी उतना अच्छा नहीं है,
बारिश का मौसम है, काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होती है, हर बार ये कोरोना में मतलब कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा कॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम अंजुमन की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से हर मोहल्ले में या जितना हो सके उतना मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जाइए एक बार डॉक्टर साहब, मतलब इतने डॉक्टर्स हैं आपके सर्विस में, एक बार आपका तबीयत चेकअप कराइए। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको अगर तबीयत थोड़ी ख़राब होगी टैबलेट्स देंगे, अगर फ्लू होगा भी तो चले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर यानी मंडे के रोज़ उज्जवल नगर डॉक्टर यूसुफ़ मुल्ला उनके क्लिनिक में जो है अंजुमन इस्लाम के सदारत में और उज्जवल नगर के पांचों जमातों के मदद से जो है एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया, जिसमें जो है लोग डर कर घबरा कर जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। सर्दी ज़ुकाम होने के हो रही है, उससे लोग डर रहे हैं कि कोरोना हो रहा है समझ के। तो ये जो डर और खौफ जो है अंजुमन इस्लाम और जो है अपने हमारे पांचों जमात के जो सदरान हैं ये निकालने की कोशिश किए हैं, और इसमें जो है सब में बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अंजुमन इस्लाम वालों का बहुत ही बड़ा एक पहाड़ के जैसा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमाए, क्योंकि आसिफ राजू शेठ साहब जो है अपनी जान और माल की परवाह ना करते हुए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और लोगों के दिलों में से जो है खौफ निकाल रहे हैं कि ये कोरोना जो है जानलेवा बीमारी नहीं है, उसका इलाज है और उसका इलाज हो जाएगा। तो पहले स्टेज में अगर सर्दी खांसी अगर किसी को हो जाती है तो घर में डर कर बैठने से बेहतर है कि आप जो है आ करके इलाज कराओ, उसका इलाज हो जाएगा। ये जो है हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज उज्जवल नगर यूसुफ डॉक्टर यूसुफ मुल्ला के क्लिनिक में आज कैंप शुरू किया है, और लोगों ने भी बहुत सारे कम से कम अभी तक जो है एक 200 पेशेंट जो है चेकअप कर लिए हैं, और उनको उसके साथ साथ में गोलियाँ भी फ्री दे रही हैं, दवा भी जो है फ्री दे रही है। आज पीर के दिन मंडे और या ट्यूसडे ये दो दिन जो है फ्री कैंप चलेगा। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आ करके जो है अपने हेल्थ चेकअप करा ले, अब डर कर घर में मत बैठिए, उसका इलाज होने वाला है। और खुसूसन जो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस कीजिए और बार बार हाथों को धोइए। तो ये मैं आपसे सबसे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो है वह अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपनी खुद की और अपने घर वालों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे आज उज्जवल नगर में फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। यहाँ पे हर बीमारी का इलाज किया जाएगा, इन केस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं तो फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये कोरोना वायरस पूरे बेलगाम में फैल चुका है, उससे बचने के तरीके है कि हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना, बस इतना कर देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वो घर से बाहर निकलना चाहिए, डॉक्टर करीब के डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं उस नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए। फिर अगर उसमें कुछ निमोनिया या कुछ कोविड के कोराइड स्कोर वगैरह ज़्यादा है तो उनको एडमिशन की ज़रूरत रहती है, वो जाके अस्पताल में भर्ती होके इलाज करवाना चाहिए, इंशाल्लाह उससे सभी बीमारी ठीक हो जाए। जो मुझे मौका मिला है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से लोगों की खिदमत करने का और कोविड-19 के मुताबिक लोगों को जानकारी देने का या फिर उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट करने का, तो ये सब करके मुझे भी बहुत खुशी होती है, मेरे शौहर का साथ भी देके। डर को निकालने के लिए उनको चाहिए कि डॉक्टर से जाके मिले, अपने सिम्टम्स के बारे में उनको जाके इजहार करे, उनको पूछे कि हमें ये सिम्टम्स है, कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए जाके, और घर से बाहर निकलना चाहिए।